क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है वो एक ऋषि की हड्डियों के द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और साथ ही उन्हें ये बांसुरी किसने और कैसे दी? दरअसल द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान जन्मे तो उन्हें देखने के लिए सभी देवी देवता अपना अलग अलग रूप धारण कर पृथ्वी पर आने लगे। और ऐसे में भगवान शिव ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करना था। और जब शिव जी उनसे मिलने के लिए आने लगे तो तभी उन्होंने सोचा कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण को एक उपहार देना चाहिए। और उसी समय उन्हें ये बात याद आई कि उनके पास ऋषि दधीचि की मां शक्तिशाली हड्डियां रखी हुई है। और इस प्रकार भगवान शिव ने उन हड्डियों से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एवं शक्तिशाली बांसुरी का निर्माण किया। और इस बांसुरी को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दे दी। और अक्सर हम सभी उस बांसुरी को देखा करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के पास है उसे सबसे पहले महादेव द्वारा बजाया गया माना जाता है। और उसके बाद उन्होंने इस बांसुरी को श्री कृष्ण को दे दी थी। और जब राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अहिस्तासुर की नगरी अरिध्वन थी, तब अहिस्तासुर से ब्रिजवासी काफी तंग आ चुके थे। और इसी कारण से श्री कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया था। और वध करने के बाद जब श्री राधा ने उन्हें बताया कि आपने गोवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गोवंश हत्या का पाप लगेगा, तभी ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। और इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। और इसलिए श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड कहा जाता है। और बांसुरी के संबंध में एक और धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो सभी बुरी आत्माएं दूर हो जाती है। और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में सभी ओर शुभ चुंबकीय प्रवेह का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।